छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और प्रशासन की निष्क्रियता के विरोध में महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने यह घोषणा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान की है। फूलो देवी नेताम ने बताया कि राज्य में बलात्कार और गैंगरेप की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। भाजपा सरकार के 8 महीने के कार्यकाल में 600 से अधिक बलात्कार के मामले सामने आए हैं और 3000 से अधिक महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि महिलाएं इस लचर कानून व्यवस्था के कारण खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। भाजपा सरकार के संरक्षण में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों में इजाफा हो रहा है। फूलो देवी नेताम ने यह भी कहा कि हम अपनी बहनों और बेटियों के साथ न्याय और सुरक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। 10 सितंबर को महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी और पीड़िताओं के लिए न्याय की मांग उठाएगी। खास तौर पर प्रदेश में जो आज की स्थिति निर्मित हुई है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार व गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। इस लचर कानून व्यवस्था से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाएं भयभीत हैं, डरी सहमी हुई हैं। भाजपा के 9 महीने की सरकार में 600 से अधिक बलात्कार के मामले सामने आए हैं। महिला के खिलाफ 3000 से ज़्यादा आपराधिक घटना हुई हैं। सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं, इसलिए अपराधियों को हौसला बुलंद है। आज एक 4 साल की छोटी बच्ची भिलाई की बच्ची हो या फिर रायपुर नया बस स्टेशन में एक 50 साल की महिला हो, सबके साथ दुष्कर्म हो रहा है। आज इस प्रदेश में कोई भी उम्र की बेटियां एवं महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। हाल ही में हुई एक घटना, 3 सितंबर को सीतापुर में एक नाबालिग मार्केट से घर लौट रही थी, गैंगरेप की घटना होती है। नया रायपुर बस स्टेशन में एक 50 साल की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, दूसरे दिन रिपोर्ट लिखा जाता है और सामूहिक दुष्कर्म को नकार दिया गया। बलात्कारी की रिपोर्ट लिखी गई और यहाँ पुलिस अपराधियों को सजा देने के बजाय उन्हें बचाने में लगी है। बस्तर, जसपुर, रायगढ़, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं राजधानी रायपुर में दुष्कर्म की घटनाओं से महिलाएं भयभीत हैं। महिलाएं घर से बाहर निकलने में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सबसे चौंकाने वाली घटना भिलाई में 5 जुलाई को डीपीएस स्कूल में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई। बिना एफआईआर के एसपी ने घटना को नकार दिया गया, जबकि पास्को एक्ट के प्रावधान है कि ऐसी कोई भी घटना होने से सबसे पहले एफआईआर लिखते हैं, उसके बाद जांच की जाती है। भिलाई की बच्ची के साथ दुराचार के मामले में 2 डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बच्ची के निजी अंगों में चोट आई है। डॉक्टरों ने गंभीर छेड़छाड़ की आशंका जताई, जिसके बाद भी एसपी मामले को नकारते हैं। 5 जुलाई को घटना होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध करने के बाद भाजपा सरकार दबाव में आकर अब जाकर लगभग 2 महीने बाद 4 सितंबर को एफआईआर दर्ज करती है। क्या अब प्रदेश की महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए हर बार आंदोलन करने पर ही ये सरकार उस मामले की जांच या कार्रवाई करेगी? रायगढ़ के पुसोर में एक आदिवासी महिला के साथ 14 लोगों ने दुराचार किया, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करती रही, मीडिया की दबाव के बाद रिपोर्ट लिखा जाता है।
जसपुर के एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार हुआ। कोंडा गांव के केशकाल में नाबालिग से बलात्कार किया गया। नारायणपुर के सरकारी स्कूल में छात्रों के साथ यौन शोषण। राजीव में 2 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना। भिलाई में नाबालिग एवं 5 साल की बच्ची के साथ रेप। रायगढ़ में मूकबधिर महिला के साथ बलात्कार। जसपुर केशकाल पखांजूर दुर्ग राजधानी रायपुर और रायगढ़ में लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा देने वाले अपराधियों को बचा रही है। पीड़ित महिलाएं हिम्मत करके थाना FIR दर्ज करवाने जाती हैं तो रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उन्हें जलील किया जाता है, जिससे पीड़ित महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती हैं। प्रदेश में बढ़ती बलात्कार की घटना प्रदेश के लिए चिंता का विषय बन गई है। आज खेत में काम करने वाली महिलाएं, बस में सफर करने वाली महिलाएं, घर में रहने वाली महिलाएं, अस्पताल में महिलाएं, स्कूल कॉलेज जाने वाली महिलाएं, बेटियां, कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस और प्रशासन आरोपी को बचाने में लगे रहते हैं और पीड़ित महिलाओं को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। बेहद शर्म की बात है कि बंगाल की घटना पर प्रतिक्रिया देने वाले भाजपाई छत्तीसगढ़ में 4 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी पर मौन हैं। इस मामले में कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा और उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे और जगह जगह प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पे पूरे जिला में प्रदेश में आंदोलन हुआ। महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए महिला कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी और 10 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। आज लगातार प्रदेश में हो रही बलात्कार की घटना बहुत ही दुखद है। मैं पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है और उनके न्याय के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी।